पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हमाक्यानी सेगले और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरा आँखों के साथ कोई एक्सपीरियंस अबाउट 25 ईयर्स एंड अबव का है। सो आज बहुत लोग सवाल करते हैं और बहुत कॉमन है जिस एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं सफ़ेद मोतियाँ। अंग्रेजी में इसको कैटरक्ट कहते हैं और इंग्लिश उर्दू में इसको सफ़ेद मोतियाँ कहते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आँख का अपना एक शीशा है। आँख के अंदर जो शीशा होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में आप अपने घर में शीशे जो होते हैं वो आप देखें ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये शीशा जो है ये गदला होता जाता है और जब ये गदला होता है तो हम इसको सफ़ेद मोतियाँ कह देते हैं या इसको कैटरक्ट कहते हैं। अब ये किसी एज में भी हो सकता है, सबसे कॉमन तो जो है ये उम्र के साथ होता है। जैसे आप बड़े हो रहे हैं 40s, 50s, 60s में कोई प्रेफरेंस नहीं, लेकिन जैसे एज बड़ी हो रही है तो ये मोतियाँ बन जाते हैं। लोग पैदाइश में भी बीमारियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ पैदाइश में भी बच्चों को ये सफ़ेद मोतियाँ होता है और चोट लग जाए या किसी और वजह से भी बन सकता है। अगर किसी वजह से आपको लगे कि आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है या आपको देखते हुए सूरज की तरफ देखते हुए आपको लगता है कि आपकी नज़र में जिस तरह रोशनी फटी हुई है या आपको कम नज़र आ रहा है, सुबह शाम कब जो है आपको जितना पहले आप अच्छा देखते थे वो आहिस्ता सा कम हो रहा है, कोई दर्द नहीं आँख में लेकिन बस नज़र कमज़ोर हो रही है, तो हो सकता है कि आपको सफ़ेद मोतियाँ हो। ये यूनिलैटरल भी होता है, मतलब कि एक आँख में भी होता है और दूसरी आँख में भी हो सकता है, दोनों आँखों में या एक आँख में। इसका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि एक ही वक्त में दोनों में हो, लेकिन ये यूजली बायलैटरल होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा होता है। अब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात है क्योंकि उन्हें चोट लग सकती है और फिर हीलिंग में मसला होता है। ये बहुत एक सिंपल है और बहुत कॉमन है सफ़ेद मोतियाँ होना। सफ़ेद मोतियाँ अगर है तो अपनी आई एग्जामिनेशन करवाइए। ये कैटरक्ट जो है ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है, मीनिंग आपकी जो रोशनी जा रही है ये वापस आ सकती है। ये एक रास्ता से ब्लॉक हुआ है जो ये शीशा हम निकाल देते हैं और इसके जगह पे जो आपकी आँख को शीशे का नंबर चाहिए वो उसको हम आँख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। ये सूचरलेस है, मैं इसमें कोई टांका नहीं लगता और बड़े आराम से 15-20 मिनट के अंदर ये सर्जरी हो जाती है। अब इसमें इतनी क्वालिटीज़ आ गई हैं कि आप दूर की नज़र भी ठीक कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी ठीक कर सकते हैं और नज़दीक की भी। अगर आपकी आँख के अंदर पर्दा बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको ये मिल सकती है कैपेबिलिटी कि आपको शीशा दूर नज़दीक और कि मैं आपको ऐनक ना लगानी पड़े बाद में किसी लिहाज से भी। तो ये लेंजेस इंट्राओकुलर लेंजेस मौजूद हैं जो आपको ये टू गेट रिड ऑफ द ग्लासेस कि आपको बाद में ऐनक की ज़रूरत ना पड़े। तो सफ़ेद मोतियाँ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस से आपको सर्जिकली इसको करेक्ट किया जा सकता है और आपकी विजन आ सकती है। अगर कोई सवाल आपको हो या आप और इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहें क्योंकि सफ़ेद मोतियाँ की सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब में दे सकती हूँ या आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट और कौन से लेंजेस आपको आपके लिए बने हैं। सो आपने जब भी कॉन्टैक्ट करना हो या कंसल्ट करना हो तो आप ओला डॉक से वो रब्ता करें और वो आपको मेरे से बात करवा देंगे और मुझसे कंसल्ट करवा लेंगे। सो मोतिया सफ़ेद मोतिया रिवर्सिबल, इसको आसानी से ट्रीट हो सकता है और इसको अपनी आई एग्जामिनेशन जरूर करवाइएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।